मैं 8 तारीख का वेट नहीं करता हूँ, हमने जीत हासिल की है, जीत लिया है और बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह 7-8 हजार वोटों से हमारी जीत होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। लेकिन वन तो पानू नाव दही वही बात गए आज इलेक्शन कोई खुश छू तो। अस्सलाम वालेकुम मैम, सबसे पहले तुम शुक्र गुजार कि तुम आयु योर तो खुश दही वही मतलब गो ये इलेक्शन तो करो ना दहन वरियन कत करो लगभग जुतवन वरियन क्योंकि 22 साल हमने बहुत मुसीबतें यहाँ उठाई है, खासकर जो मतलब एनसी वर्कर्स जो है हमने बहुत मुसीबत उठाई है। अब पीडीपी वाले क्या कह रहे हैं, उनको फायदा मिला होगा अब्दुर्रहमान की वीरी की तरफ से तो हम उसमें मतलब उनको कोई क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो एनसी के वर्कर है हमने बहुत मुसीबत उठाए है इन 22-24 सालों में। तो अब्दुर्रहमान वीरी साहब डीडी कनाल कहते हैं, वो इसी पे मतलब वोट यहाँ पे लेता है। डीडी कनाल तो ये सब लोगों को पता है कि महाराज हरि सिंह के वक्त से निकली है, अब उसने सीमेंट लगाया है आगे मतलब उस साइड सीमेंट लगाया, वो उसकी काम है, उसको कॉन्स्टिट्यूंसी के फंड आते थे, सीडीएफ फंड आते थे, तो वो क्या उनको घर में रख देता, उसको तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी में लगाने थे जबलीपुरा। आप बताइए कि आज आपने वोट दिया है तो किसके लिए आपने वोट दिया? हमने डेवलपमेंट के लिए जरूर, क्योंकि हमें पूरी उम्मीद है डॉक्टर वीरी साहब पे। उसने 26 साल वो अपोजिशन में रहा है और 26 साल में उसने जो भी काम है यहाँ पे किया है, चाहे ट्रांसफार्मर का मसला हो, चाहे लैंड का मसला हो, चाहे बिजली पोल का मसला था, जो भी कोई मसला था हम वीरी साहब के शुक्र गुजार है कि मतलब उसने हारे हुए भी बहुत सारे काम किए हैं। तो उसका हक बनता था, जो उसको एमएलसी फंड पहुंचता था उसने घर में वो नहीं रखाया, घर में कोई वो आप खुद भी जानती हो, उसने घर में कोई घर नहीं बनाया, उसमें कोई गाड़ी नहीं ली है, उसने वो सर्व किया है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट सिंह में एमएलसी फंड जो उसका आता था, हम उसके बहुत शुक्र गुजार है। 400 की फिर खुद बात करेगा। मैं 8 तारीख का वेट नहीं करता हूँ, हमने जीत हासिल की है, जीत लिया है और बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह 7-8 हजार वोटों से हमारी जीत होगी इंशाल्लाह। लेकिन पीडीपी वालों का कहना है कि साउथ कश्मीर में जितनी भी डेवलपमेंट हुई है, खुसूसन हम दशनीपुरा बिजबिहारा की बात करें, यहाँ पे जितनी भी डेवलपमेंट हुई है वो पीडीपी मुफ्ती सईद ने नहीं किया है। मुफ्ती सईद ने डेवलपमेंट की है, उसने कॉलेज दिया है मतलब जीएमसी कॉलेज, वो मेडिकल कॉलेज दिया है, तो हमें उसके मुफ्ती सईद के साथ हमें कोई जाति दुश्मनी है, महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा अपना कैंडिडेट था यहाँ पे अब्दुर्रहमान वीरी, जिसने 26 साल यहाँ कोई मिनिस्ट्री उसने नहीं छोड़ी है सिवाय चीफ मिनिस्टर के, चीफ मिनिस्टर वो नहीं बने, बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट वो मिनिस्टर रहे और ये R&B डिपार्टमेंट मतलब इसमें रहे R&B में, तो मतलब क्या कहते हैं इसको जो ना पुलिस का ये होता है ना पुलिस का डिपार्टमेंट जो होता है डिफेंस मतलब उसमें उसने मिनिस्टरी ली है, तो सिरहामा में कोई मुलाजिम नहीं लगा मतलब पुलिस में, एजुकेशन में कोई नहीं लगा है, हम बेरोजगार थे, हमारे मतलब ये 22 जो एनसी के कोई एनसी वर्कर हमारा मतलब वो लगे सिरहामा में, लगे 2-4 घरों के जो बंदे थे, चाहे बैंक में लगे, किसी दूसरे मास्टर लगे या किसी और डिपार्टमेंट में लगे हैं तो लगे हैं जी। हाँ, अब्दुर्रहमान वीरी साहब ने वो काम किए हैं, लेकिन हम जो मतलब नेशनल के वर्कर्स थे हमने बिल्कुल जुल्म सहा है 22 साल यहाँ। सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकन टू गेट वीडियो नोटिफिकेशंस ऑन योर स्मार्टफोन।